मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास का चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम लोग को पढ़ना है। इससे पहले आपको बता दें कि हम लोग 10th क्लास में या छोटी क्लास जो पिछली क्लास हम लोग आप लोग उसमें देखे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एक चैप्टर वहां भी हुआ करता था। उसमें भी आप लोग हिस्ट्री पढ़ें, क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री भी पढ़े हैं वहां पे, तो उसको आप पहली वीडियो में देख लीजिएगा क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री के बारे में। लेकिन फिर भी एक बात हम आपको याद दिला देना चाह रहे हैं, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की हिस्ट्री थी उसमें हम लोग सबसे पहले लेवोसियर की देखे, लेवोसियर का क्लासिफिकेशन। उन्होंने सिंपली क्या किया, एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया इंटू टू पार्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ये बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन, तो लेवोसियर का क्लासिफिकेशन को फिर डिस्कार्ड कर दिया गया। उससे आगे एडवांस आया डोवेनियन ट्रायड। डोवेनियन ट्रायड में भी आप लोग जानते हैं ट्रायड में सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स, उन्होंने थ्री सेट एलिमेंट का जो है एक सेट बनाया, तीन एलिमेंट का एक सेट बनाया, सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स एंड अरेंज्ड इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट का सेट। एटॉमिक वेट के अनुसार उसको अरेंज किया और पाया क्या, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज नियरली इक्वल्स टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मिडिल। ये आप देख चुके हैं डोवेनियन ट्रायड, मीन्स हमें क्या बताया डोवेनियन ट्रायड का क्लासिफिकेशन क्या था, मीन्स इट इज अ सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स एंड दीज एलिमेंट मस्ट बी अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। और पाया क्या गया, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज नियरली इक्वल टू द मिडिल एलिमेंट। एग्जाम्पल भी आपको याद होगा तो याद होगा, आप देखते थे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इसका देखते थे एटॉमिक वेट 7 है, इसका 39 है और बीच वाले का किया गया था 23। और ये आप कैसे पाते थे, यही तो था, यही देख रहे थे कि आप दिस इज द सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स, इसी को ट्रायड कर दिया और क्या पाया, और फर्स्ट और थर्ड का, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज क्या था, मिडिल एलिमेंट, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज नियरली आर इक्वल्स टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट। आप देख भी सकते हैं अगर एवरेज एटॉमिक मास की बात किया जाए, फर्स्ट और थर्ड को अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, 46 बाय 2 20 कितना आ गया, 43। एक एग्जांपल है, लेकिन इसकी लिमिटेशन थी, क्या लिमिटेशन थी, तो आप जानते हो, आप जानते हो इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर द फ्यू सेट ऑफ एलिमेंट। तीन सेट इन्होंने बनाया था और केवल ये केवल 10 से 12 एलिमेंट की क्लासिफिकेशन कर पाए, इसलिए ये डिस्कार्ड कर दिया गया। इसका लिमिटेशन क्या था, इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर द फ्यू सेट्स ऑफ एलिमेंट। उसके बाद न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ आया। न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ में ऑक्टेव का मतलब जानते हैं एवरी 8th एलिमेंट, यानी अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ एलिमेंट्स वेर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड इट वॉज फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एंड सेकेंड इज सिमिलर टू द 9th सो ऑन। यानी अगर एटॉमिक मास के अनुसार एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो हर आठवां एलिमेंट जो होता है एक सिमिलर प्रॉपर्टी रखता था। ये ऐसे ही था जस्ट लाइक द म्यूजिकल नोट्स सा रे ग म प द नी के बाद फिर क्या आ जाएगा स। अब ये इस तरह से अरेंज किए, लेकिन ये अरेंजमेंट जो था सेकेंड क्लासिफिकेशन या थर्ड इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमने लेवोसियर का देख लिया, डोवेनियर का देख लिया, अब न्यूलैंड्स का जो देख रहे हैं थर्ड क्लासिफिकेशन, इसमें कमी थी। कमी क्या थी, इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर द लाइटर एलिमेंट। ये लाइटर एलिमेंट के लिए अप्लीकेबल था, यानी इसके लिए था अप टू द कैल्शियम, कैल्शियम तक के लिए एलिमेंट, इन्हें लाइटर एलिमेंट्स के लिए अप्लीकेबल था। उसके बाद एक अच्छा खासा पीरियडिक टेबल आया जो कुछ दिन तक चला, उसको तो बेंडलिफ पीरियडिक टेबल था। उन्होंने उसमें 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया और आप उसमें जानते हो तो वो क्लासिफिकेशन को आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, उसको जो है आप वीडियो में देख लीजिएगा, पिछली वीडियो में जिसमें हम लोग जो है केवल पढ़ेंगे उसमें मेंडलिफ पीरियडिक टेबल और उसकी क्लासिफिकेशन की बात की। अब मेंडलिफ पीरियडिक टेबल की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, उसमें लिमिटेशन भी पढ़ेंगे, उनकी पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे क्या मेंडलिफ पीरियडिक टेबल में था, कैसे उन्होंने 23 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। वहां पर भी आप देखते थे कि 1 से लेकर 8th ग्रुप और साथ में बाद में 0 ग्रुप को भी इंक्लूड किया और उसमें 7 पीरियड्स थे, उनके जो गैप्स थे इकालियम और इक्का सिकान, यानी बहुत सारी बातें उसमें पढ़ेंगे, उसके लिए एक वीडियो बनी है उसको आप देखें।
हमारा आज का वीडियो जो है टोटली बेस्ड है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, जिसको मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल कहते हैं, उसको हमको देखना है, उसके डिस्क्रिप्शन को देखना है, लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल को देखना है, उसके डिस्क्रिप्शन को देखना है, कैसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल को हम याद कर पाएंगे या कैसे उसको लिख पाएंगे, कैसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल हम फटाफट बना पाते हैं वो हमको देखना है, साथ ही साथ इनकी लिमिटेशंस को पढ़ लेना है। यानी हमको आज पढ़ना है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल के को पढ़ना है, कैसे हम बनाएंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल जिसको मुजली पीरियडिक टेबल। आप बच्चों जानते हो इससे पहले के यानी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल्स से पहले की जितनी भी पीरियडिक टेबल थे, नाम आप जानते हो, लेवोसियर का क्लासिफिकेशन, टॉबेनियर का, न्यूलैंड्स का, लूथर मेयर का, मेंडलिफ के, जो पांच क्लासिफिकेशन थे दैट आर द बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। लेकिन ये जो था क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको मुजले ने दिया था। मुजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कौन, मुजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उनके एक्सपेरिमेंट को हमने देखा और इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर पाया गया कि एलिमेंट्स की जो पीरियोडिस प्रॉपर्टी एक तरह से हम कहें वो किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर नॉट ऑन एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। मुजले का जो एक्सपेरिमेंट था उसके अनुसार ये पाया गया कि एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है दे आर पीरियोडिक इन फंक्शन विथ एटॉमिक नंबर। क्या था वे एक्सपेरिमेंट, उन्होंने पाया कि अगर एक मेटल है या एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हम ले लें, एलिमेंट है, उसके हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर बम्बार्डमेंट कराया गया, ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक, जिसको आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स निकलता है इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसके एटॉमिक नंबर का एक रिलेशन पाया गया। क्या था, एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन पाया गया, जो क्या था, जो इस तरह से आप इसको जो इस तरह से बना सकते हैं, क्या, एटॉमिक नंबर जेड माइनस वन, ठीक है। यानी अगर रिलेशन जो पाया गया वो ये था कि अगर फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन पाया गया वो आपस में इंटर रिलेट थे, जबकि एटॉमिक मास को यहां रखें तो वहां पे क्या था, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक वेट को रखा गया, इसमें कोई खास रिलेशन डेवलप नहीं हुआ। तो मुजले के एक्सपेरिमेंट से ही ये पता चला था, मुजले के एक्सपेरिमेंट से ये बात निकल के आई थी कि क्या एटॉमिक नंबर है इट इज रिलेटेड विद द पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इट इज रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक नंबर पे से फंक्शन करती है, वैरी करती है, एटॉमिक वेव से वैरी नहीं करती। इसी के आधार पे आगे चल के हम लोग जो भी पीरियोडिक टेबल बने, यानी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बना, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज टोटली बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर के आधार पे बना कि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर पे क्या किया गया, अरेंज किया गया, तो हमको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मिला, ठीक है। इसीलिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल में भी हम मुजले के कंट्रीब्यूशन को हमेशा याद रखते हैं कि मुजले ही ये साइंटिस्ट थे, मुजले ही ऐसे आदमी थे जिन्होंने क्या किया, ये बताया कि प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है ये इट इज फंक्शन विद एटॉमिक नंबर नॉट विद एटॉमिक वेट। अब हमको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल पढ़ने हैं, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल कैसे बनाना है वो देखो। तो ध्यान दीजिए, हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल की बात करने जा रहे हैं और यहां पे हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल बनाए। ये हमारा है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, बनाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, यहां पे एक तरह से इसका स्केलेटन है, फिर आई है, यहां ग्रुप वन था, यहां ग्रुप टू था, इसको आप यहां से मिला देंगे इस तरह से, ये तैयार हो गया। अब ग्रुप वन टू थ्री फोर
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12. यहाँ से क्या कि लॉ कहाँ 13, 14, 15, 16, 17, ये क्या है 15. अब यहाँ से इसको मिला ठीक हो जाएगा, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12. दूसरे यहाँ पे भी ले लीजिए, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, ये 16 के बाद ही 17 अपने बन गया. अब हम पीरियड्स की बात करते हैं, पीरियड्स की बात करते हैं. 7 पीरियड्स होते हैं, 1, 2, ये 3 हो गया, यहाँ 4, 5, 6 और 7. 7 पीरियड्स होते हैं, उनको हमको बना लिया जाए, तो यहाँ पे बना लिया जाए, तो ये हमारा बॉडी तैयार हो गया लॉन्ग फॉर्म ऑफ डाइट के लिए. यानी इसमें ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स कितने हो गए 18 और पीरियड कितने हो गए 7. क्लियर. अब आगे बढ़ते हैं, इसी को हम लोग आगे चल के एस ब्लॉक कहेंगे, एक से लेके दो, यहां से लेके हम लोग इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, डी ब्लॉक. इसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी आपको कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इसको हम लोग पी ब्लॉक कहेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स. थर्टीन से लेके उसी तरह यहां पे हम लोग बना लिया जाएगा क्या, दो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में. ये क्या हो जाएगा एफ ब्लॉक, एफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह. यहाँ पे हम लोग 4F करते हैं, यहाँ पे हम लोग 5F करते हैं. इस 4F को हम लोग बोलते हैं लेंथोनॉइड्स. क्या बोलते हैं लेंथोनॉइड्स. इसको क्या बोलते हैं एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स. अब हमारा बॉडी तैयार है. अब ध्यान दीजिए हमको एलिमेंट्स भरने हैं. यहाँ पे हाइड्रोजन को हम लोग थोड़ा सेपरेट करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन को जो है अल्कली फैमिली में नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा रखते हैं. आईएफ स्टार्ट करते हैं, बॉडी बनाना सभी सीख गए इसके स्केलेटन को. अब हम लोग इसमें भरेंगे एलिमेंट्स को. कैसे भरेंगे सारे एलिमेंट्स को, आइए देखते हैं. यहां पर लिख लीजिएगा हेलिना, हेलिना, हेलिना की रूबी से फ्रेंसी. इसको आप फ्रेंसियम है, रेडियोएक्टिव है, तो रेडियोएक्टिव. बेटा मांगे का सेंट्रो बाप रे, रेडियम, बैरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, ये भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट. यानी यह स्टॉक हमारा तैयार हो गया हेलिना की, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, सी एस एल सी जी एम. अब इधर कौन है, बोरान फैमिली है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, यहां नहीं है. अब यहां देखिए बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बोरान एल्यूमियम गैलियम इंडियन एल्यूमियम, काशी गए एस एन शंकर पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती, यानी कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड, नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान सब आदि. नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मत, ठीक है, नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान सब विकारी, ठीक है. ये ऐसे कुछ अपना बना के कर सकते हैं. उससे से एको फूल कली बहार आई, ये एस्टिनी
फूल कहीं बाहर आए, एस्पिरिन को गोला कर दिया क्योंकि ये रेडियो एक्टिव था। फिर नियॉन आर्गन के नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन और क्या हो जाएगा डेटा। अब यहां हमको थोड़ा याद करना पड़ता है, कैल्शियम है 20, स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। जिंक के साथ जिंक कैडमियम और मरकरी एक ही ग्रुप में आते हैं, जिंक कैडमियम और मरकरी सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं, जिंक कैडमियम और मरकरी। अब ये क्वाइनेज मेटल सिक्का बनता है, कॉपर सिल्वर और गोल्ड इन्हीं के सिक्के बनते हैं, आपको चाहिए होते हैं कॉपर सिल्वर गोल्ड। निकिल पलाडियम और प्लेटिनम ओहीर लिथियम और इरिडियम फेरस आयरन का नाम भी फेरस है FERUS रूथेनियम एफ फेरस एफ रूथेनियम और ये क्या है ऑस्मियम सबसे ज्यादा डेंस एलिमेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट भी सबसे ज्यादा होता है इसका प्लस एक होता है यानी फेरस नाम ही लिखिए मैन टेक रेट मैन प्रोमो प्रोमो ये क्या है क्रोमियम मॉलिब्डेनियम टेलिस्टर बी नव का टिटेनियम टिटेनियम जिर्कोनियम टिटेनियम जिर्कोनियम और क्या है ऑफियम स्काईलाइट एस के वाई स्काई ला एक्ट यहां एक स्टार बना देंगे यहां डबल स्टार बना देंगे क्यों क्योंकि पूरी लेंथ नाइट सी जो 14 है 58 से लेके ये जो 14 एलिमेंट है वो लेंथ नाइट्स यहां भरा हुआ और ये क्या है एक्टोनाइट्स ये क्या है एक्टोनाइट्स यानी ये जो ग्रुप है थर्ड यही पे एफ ब्लॉक पाया जाता है एफ ब्लॉक कहां पाया जाता है ये बच्चों यहां देख लो एफ ब्लॉक कहां है एफ ब्लॉक ग्रुप थर्ड के क्या है सिक्स पीरियड और सेवन पीरियड सिक्स पीरियड में और कहां है सेवन पीरियड में पाया ये 14 एलिमेंट कहां है ये लैंथोनाइड्स कहां है तो आप जानते हो कि लैंथोनाइड्स कहां है ग्रुप थर्ड के सिक्स पीरियड में है लैंथोनाइड्स ये एक्टोनाइड्स कहां है एक्टोनाइड्स कहां है तो ग्रुप थर्ड के सेवन पीरियड है जो बाहर है ठीक है यानी लैंथोनाइड्स क्यों कहते हैं कि लैंथनम के बाद ये सारे प्रॉपर्टी एक तरह की रहती है इनकी प्रॉपर्टी लगभग इसीलिए इनको लैंथोनाइड्स कहा जाता है एक्टिनियम से मिलता जुलता है इसलिए एक्टोनाइड्स कहा जाता है तो लैंथनम के बाद इसमें कौन आएगा से पर नन पम सम यू गट टब पम सम यू गट टब डी वाई गट टब टी हो और कम अब लू ये है 14 क्या है से पर नन पम सम यू गट टब डी हो और कम अब लू ठीक है उसी तरह अप्पा यू नप्पू अप्पा अप्पा यू नप्पू अम कम बक कफ अस पम मेट मेट नो लव ये है ये ठीक है यानी लगभग हमारा पीरियाडिक टेबल तैयार हो ये 14 हमारे लैंथोनाइड्स हैं 14 एक्टोनाइड्स हैं ये हमारा एस ब्लॉक है ध्यान देखो यहाँ पे इसको हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं एस ब्लॉक में इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है एस ब्लॉक के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं देखते हो क्या NS2 ANS1 2 ये क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका एस ब्लॉक का क्या है NS1 2 एन की वैल्यू क्या होगी 1 2 क्या हो जाएगा 7 ठीक है इसमें भी ग्रुप 1 को हम लोग क्या बोलते हैं अल्कली मेटल्स और इसको क्या बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप 1 जो है ग्रुप 1 को क्या बोलोगे अल्कली अल्कली मेटल्स ठीक है और ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं अल्कलाइन अल्कलाइन अर्थ मेटल क्लियर हो All right.
यहाँ ग्रुप थ्री से लेके ग्रुप ट्वेल्व तक ये हमारा जो है ये इम्पोर्टेंट, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेकर्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेकर्स या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि ये इन बिटवीन, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, एस और ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच की है, तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के आधार पर फिर उसके डिफरेंशियल थ्योरम को लगाते हैं। और हमारा पी ब्लॉक कहां से कहां तक है, ये देखो पी ब्लॉक कहां से है, तो हमारा ग्रुप क्या है, 32 ग्रुप 18 हमारा क्या है, पी ब्लॉक। अब इसमें फर्स्ट नंबर के आधार, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, NS2 NP12 क्या हो जाएगा, 126 इसका पी ब्लॉक ये हो रहा है। अब इसमें अलग बात है कि इसको बोरॉन फैमिली, इसको कार्बन फैमिली, इसको नाइट्रोजन को निकोजन फैमिली कहते हैं। क्या बोलते हैं? निकोजन फैमिली। ऑक्सीजन को कैल्कोजन फैमिली, इसको हैलोजन फैमिली, इसको इनर गैसेस या नोबल गैसेस कहा जाता है। ये होते हैं। अब डी ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या रेयर एलिमेंट्स। ये 14 के सेट हैं, इस अगर 4F में इलेक्ट्रॉन है इसको लेंथनाइट्स बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एक्टोनाइट्स। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो हमारे डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, इसका क्या होता है, ईसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहां लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, N-1 डी 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, NS यहां क्या करेंगे, 0-2। देखो बेटा कई जगह जो हम 0-1 होता है बुक्स में, लेकिन इस पैलेडियम को भी अगर इसमें रखेंगे तो 0-2 पर होगा, ठीक है, नहीं तो बुक्स में सभी में आपको मिल जाएगी क्या, N-1 क्या 1-10 और 0-2 यहां क्या हो जाएगा, सॉरी 1s 1-2 था, ठीक है, क्योंकि तो यहां, लेकिन 0-2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पैलेडियम को भी हमको उसमें लेना होगा। और इसी तरह एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, यहां ऊपर लिखते हैं, सो दैट अगर मान लीजिए एफ ब्लॉक का क्या है, हम लिख देते हैं क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसका, N-2 क्या हो जाएगा, एफ लेख से लेते हैं क्या 14, 1-14, इसको एंटी पेनल्टीमेट बोलते हैं। N-1 को पेनल्टीमेट कहां से हो जाएगा, 0-2 बोलो, 0-2 0-2 NS2 ये हमारा क्या है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है तो हमारे एस ब्लॉक का। तो ये हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल में आपको सारी बातें बता दी गई, और कैसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल बनाना है उसको आप देख लेंगे। फटाफट एक बार हम सारे एलिमेंट्स का नाम बोल देते हैं जिससे कि आपको फिर से याद हो जाए। हेलिना पीयूबी से फ्रेंडशिप, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम, ठीक है। बेटा मार बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रे, तो क्या हो जाएगा, बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम बेरियम, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियन थैलियम, काशी गए शंकर पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एंटीमनी सॉरी टीन और लेड, नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान सब विकारी, मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस अर्सेनिक एंटीमनी जिसमें उससे टेपो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम प्लूटोनियम पोलोनियम फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेनिन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन और रेटॉन, ये सब हो गया। उसी तरह यहाँ पे भी आप देखते थे स्काइला एक्ट, सुशील कुमार जानते हैं सुशील कुमार यादव, ये क्या है स्काइला एक्ट, स्कैलियम एट्रियम और एट्रियम और लेंथनम लेंथनाइज और यहाँ लेंथनम है यहाँ टीनियम, उसी तरह टिटेनियम जिर्कोनियम हॉफियम वेनेडियम, ठीक सब इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बताया ही था, आप गाने बना के याद कर लेंगे, से पर नन टॉमसम यू गट डी हो और कम अब लू, मतलब ये 14 एलिमेंट याद हो जाएगा। उसी तरह एटीनियम का थप्पा यूनपू यूनपू अम यूनपू यहाँ पे थप्पा यू नपू पी यू, ठीक है, तो थप्पा यूनपू अम कम कफ अस फॉर्म मैग्नोलर, ये इसके हमारे जो है पूरा पीरियडिक टेबल है। ये चीजें आपको समझ में आती हैं तो चैनल को जरूर लाइक करिए सब्सक्राइब करिए। ओके थैंक यू।